अर्दापुर के जी में मामूली बात को लेकर हुए फिरकावाराना फसाद में पुलिस ने शरपसंदों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज़िला एसपी प्रमोद कुमार शिवाले ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस ने अब तक 18 अफराद को हिरासत में भी ले लिया है और इनसे तफ्तीश जारी है। लोगों से अपील की गई है कि वह किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और अमन अमान को बरकरार रखें। वहीं दूसरी तरफ इस मसले पर वंचित बहुजन अघाड़ी के एक वफद ने भी अर्धापुर का दौरा किया और वहां के पुलिस स्टेशन पहुंचकर पीआई से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें यह मुतालबा किया गया कि अर्धापुर में गुज़िश्ता शब जिन शरपसंदों ने फसाद किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस कार्रवाई के दौरान इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रहे कि बेगुनाहों और जिनका इस पूरे फसाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई न हो। पुलिस अपना काम गैर जानिबदारी से करे और जो भी हकीकी गुनाहगार है चाहे वो किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखते हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और शहर में इस तरह की वारदातें आइंदा भी अंजाम नहीं दी जा सके इसके लिए भी इंतजाम किए जाए। वाज़े रहे कि इतना रोज़ अर्धापुर के एक जी में मामूली बात को लेकर दो समाज के बीच कशीदगी फैल गई। शरपसंदों ने वहाँ कई गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया जिसकी वजह से हालात कशीदा हो गए। पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है। कल रात को जो अर्धापुर के अंदर जो घटना घटी उस घटना के ताल्लुक से आज वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से अर्धापुर पुलिस स्टेशन को आकर हम पीआई साहब को एक निवेदन दिया है। उस निवेदन में हमने ऐसा कहा है कि भाई इस घटना की कसोल चौकसी करनी चाहिए। चौकसी के बाद जो लोग गुनहगार है जो समाज कंटक गुनहगार है उनको सज़ा होनी चाहिए, उनको अटक होनी चाहिए। जो निष्पाप लोग हैं जो बेगुनाह है उनको अटक होनी नहीं चाहिए। अगर ऐसी अटक होती है तो वंचित बहुजन अघाड़ी रोड पर उतर कर आंदोलन करेंगे। यह सर ने क्या बोले? पीआई साहब ने आश्वासन दिए है कि हम इसकी कसोल चौकसी कर रहे हैं और जो गुनहगार है हम उनको अटक करेंगे, बेगुनाह को अटक नहीं करेंगे। जी हाँ सर, काल रात्री अर्धापुर शहरामध्ये दोन समाजामध्ये हाणामारीचा प्रकार घडलेला आहे। त्या संदर्भामध्ये वंचित बहुजन आघाडी नांदेडच्या वतीने शहर अध्यक्ष आदरणीय आयुब भाई आयुब खान यांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही या ठिकाणी पोलीस अधिकाऱ्यांना भेट दिलेली आहे। पक्षाच्या वतीने पोलीस प्रशासनाला सांगण्यात आलेले आहे की या ठिकाणी निरअपराध व्यक्तीविरुद्ध कसल्याही पद्धतीचा गुन्हा दाखल झाला नाही पाहिजे। जे खरेच दोषी आहेत ज्या अर्धापूरमध्ये ज्यांनी रात्री तणाव निर्माण केला अशाच समाजकंटकांना अशाच लोकांना पोलिसांनी शोधून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले पाहिजेत। निरअपराध व्यक्तीवर किंवा तरुण मुलावर या ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले नाही पाहिजेत अशी या ठिकाणी आम्ही मागणी केलेली आहे। आणि निरअपराध व्यक्तीवर तरुणावर गुन्हे दाखल झाले तर वंचित बहुजन आघाडी रस्त्यावर उतरून त्या पद्धतीने विरोध करणार आहे असे या ठिकाणी पोलीस प्रशासनाला सांगण्यात आलेलं आहे।